please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Okay, I think we've got our colleague from CNBC Awaz, Lakshman, who's joining in. Lakshman, morning. You're picking up some information as far as government's plans with regards to a company, Dredging Corporation, is concerned. Go on. जो मुझे सोर्सेस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सरकार जल्दी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगी. अभी इसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है 73.47% है. इसमें जो हिस्सेदारी बेची जाएगी उसमें एक नई बात यह है, इसमें पोर्ट सेक्टर की तीन कंपनियां मिलकर सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी. ये तीन कंपनियां हैं विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट. ये तीनों कंपनियां मिलकर खरीदेंगी और इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लेनी है और ये लीड कंसोर्टियम में लीड की भूमिका निभाएगी लीड पोर्ट कंपनी के तौर पर. और खास बात यह कि तीनों कंपनियां ब्लॉक डील के जरिए डीजीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगी. इसको लेकर शिपिंग मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया था, शिपिंग मिनिस्ट्री के प्रपोजल को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने अप्रूव कर दिया है और जल्द ही इसको कैबिनेट से फाइनल मंजूरी मिलने की संभावना है. और इसमें जो प्रपोजल के पीछे जो लॉजिक दिया गया है वो ये है कि डीजीसीएल चूंकि पोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो पोर्ट सेक्टर की कंपनी खरीदेगी तो डीजीसीएल से बेहतर तालमेल हो सकेगा और आने वाले दिनों में नए पोर्ट डेवलप करने हैं, नए टर्मिनल बनाने हैं, नए नेशनल वाटरवेज बनाने हैं. इन समय ड्रेजिंग का बहुत ज्यादा कारोबार होगा और इससे क्या होगा कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा कारोबार मिलेगा और पोर्ट सेक्टर की कंपनियों के पास जो भी सरप्लस फंड है वो इस कंपनी में निवेश कर सकेंगी. यही मकसद है कि सरकार पोर्ट की तीन कंपनियों को सरकारी हिस्सेदारी पूरी लेने की इजाजत देने वाली है.